देवांजलि मोइत्रा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत, अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष को धराशायी करने के बाद एनडीए के कुनबे में गुरुवार को भी एक और जीत की कहानी लिखी गई। एक के बाद एक हर मोर्चे पर विपक्षी दलों को मात देने के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति पद की लड़ाई भी मोदी जीत गए हैं। राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह उपसभापति चुनाव जीत गए हैं। उनके पक्ष में 125 वोट मिले, जबकि यूपीए के बीके हरिप्रसाद को 105 वोट ही मिल सके। वोटिंग के दौरान राज्यसभा में कुल 230 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जीत के लिए 116 मतों की जरूरत थी। एनडीए के हरिवंश ने ये जंग बड़े अंतर से जीती। पीएम मोदी ने खुद उनकी सीट पर जाकर उनको बधाई दी। मैं सबसे पहले सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरी भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी, उधर हो इधर हो, सभी सांसदों पर हरी कृपा बनी रहेगी। राज्यसभा में एनडीए के पास जीत का आंकड़ा कम था, लेकिन अंतिम मौके पर कुछ दलों ने उनका साथ दिया। इसकी एक बड़ी वजह एनडीए की रणनीति रही। एनडीए ने यूपीए से पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, और इससे पहले कि विपक्ष अपना उम्मीदवार चुन पाता, उन्होंने हरिवंश के लिए समर्थन भी जुटाना शुरू कर दिया। इस रेस में आखिरी कील साबित हुए बीजेडी के 9 सांसद, जिन्होंने आखिरी मौके पर एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले ही बीजेडी को फोन कर अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटा लिया था। तो वहीं कांग्रेस आपके विधायकों से भी बात नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आपके 3 सांसद वोटिंग के दौरान सदन से बाहर रहे।